back to my channel. This is me, Kinjal Verma. And if you are new to this channel, make sure you subscribe, like and comment. So अभी हम जा रहे हैं खेलने. हाँ, आज 6 डे है नवरात्रि का. सो या लेट्स गो. और हमारे घर पे हमारे गली में आज फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन भी है. और कल हमारा है एक्शन और ट्रेडिशनल ड्रेसिंग का. सो या लेट्स जस्ट गो एंड एंजॉय देयर. आओ चलते हैं. वहाँ पे हो रहा है. सो या लेट्स जस्ट गो देयर. आशापुरी गए थे और घर पे जाके चेंज करके हम फटाफट आए हैं. और तिगरा यहाँ पे
एक जगह है टिगरावाड़ी, वहाँ पे गरबे बहुत होते हैं और फ्री का एंट्री रहता है, मतलब बहुत लोग आते हैं, तो हम लोग को अभी एंट्री नहीं मिले है, मतलब गर्ल्स को अलाउड है लेकिन बॉयज लोग को नहीं मिल रही है, तो हम सोच रहे हम क्या करें, हम तो हम गर्ल्स अगर नहीं कुछ हुआ तो हम गर्ल्स जाके मैं सिर्फ ब्लॉग लेके आ जाऊंगी फिर से, और फिर अब हम अपनी सोसाइटी में जाएंगे गरबा खेलने के लिए। सो या ब्लॉग ही तो मेन है, हम लोग थोड़ी है, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। Thank you.
ट्रीटमेंट मिल रही है मेरे को क्योंकि मैं ये लोग के सारे सब लोग के फोटोज क्लिक कर रही हूँ। इसलिए हमारी आज की फोटोग्राफर है ये। कितने बज रहे हैं अभी? कितने बजे? साढ़े तीन। साढ़े तीन बजे। इनको धूप ना लग जाए इसलिए स्पेशल गीत। थैंक यू। जाना भी है दूर बट इट्स ओके। अभी स्टेशन पे जाना है लेकिन क्या फोटो के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। चार बजे भले ना हम डांट भी खा सकते। Hi guys, it's the 9th day of Navratri और आज नौम है। हम जाने वाले हैं मंदिर। मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, मैं फ्रेश हो गई हूँ और आज मैं सारा दिन घर पे ही थी क्योंकि मेरा कल पैर थोड़ा सा, मेरे को थोड़ी मोच आ गई थी तो सुबह तो चला भी नहीं जा रहा था। बट आई एम फीलिंग बेटर नाउ और अब जा रही हूँ मैं मंदिर और फिर जाऊँगी मैं गरबा खेलने ऑब्वियसली। एंड ऑल्सो जो ये दो तीन लोग को मैं जानती हूँ जो मेरे ही आगे मेरे ही वीडियो की मजाक करते हैं, मेरे को सच में उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम लोग बैठ के देख रहे हो, मैं कुछ ना कुछ तो कर रही हूँ, एटलीस्ट तुमसे तो बेटर ही कर रही हूँ, दैट आई नो। सो या आपको जो आपको हंसना है तो हंसो, मेरे को तो अच्छा लगता है आप मेरे वीडियोज़ देख के हंस तो रहे हो एटलीस्ट। सो या लोग मेरी वीडियोस देख के एटलीस्ट एंटरटेन तो हो रहे हैं, वो लोग तो वो भी नहीं कर पा रहे, वो लोग सिर्फ बैठ के हंस रहे हैं, मेरे को अब नहीं फ़र्क पड़ रहा है। दो तीन दिन मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, मैंने सबको बोला, मेरे फ्रेंड्स में, मेरी दीदी को, मेरी मम्मी को बोला, सब लोग को मैंने बोला। मैंने बहुत दिन से वीडियोज़ भी नहीं डाली है, मैं यही सोच के कि मैं ऐसे डालूंगी फिर वो लोग मेरे सामने देखेंगे और मेरे को हर्ट होगा। हर्ट तो नहीं होता लेकिन ऐसा बुरा लगता है, वो लोग सामने ही हंसते हैं और फिर पोक करते हैं, वो मेरे को नहीं पसंद आ रहा है। सो या अभी वो लोग जो भी करें मेरे को अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, करने दो, एटलीस्ट मेरी व्यूज तो आ रही है वो लोग के वजह से। हमने दर्शन कर रही है, अभी हम जा रहे हैं घर पे, फिर रेडी होके हम जाएंगे गरबा खेलने। दीदी को हमने ये ड्यूटी दी है फूल माला बनाने की, कल विजयदशमी है, दशहरा है, इसके लिए उसने एक दुकान के लिए बना भी दिया है, घर के लिए वो बना रही है और हम सब उसे बैठ के देख रहे हैं कि वो अच्छे से कर रही है कि नहीं। अच्छे से नहीं कर रही है पर ठीक है, चलेगा, अभी इतना काम दिया है। 11 बजे और इसकी फिटिंग निकल गई है, मैं फिर से जा रही हूँ फिटिंग करने 11 बजे। अभी मैंने एक राउंड भी समझ ही नहीं आया, एक राउंड भी मैंने गरबे का खेला नहीं अभी तक। मैं पार्थ, रिया और चाइनीज़ हम लोग केक लेने निकले हैं। किसकी बर्थडे है? गप्पी की। गप्पी का असली नाम क्या है भाई? हितेश। उसकी बर्थडे है तो हम लोग केक लेने निकले हैं। सो या एक भी केक शॉप ओपन नहीं थी तो हम अभी आए हैं कैफे क्लेश, यहाँ पे आपको मिल गया, होपफुली मिल तो गई है, लेते हैं। लेट्स गो, जाते हैं केक कट करते हैं। उसे कोई आइडिया नहीं है, है ना? और इसने उसका नाम लिखा है गप्पी दास, उसका मतलब गप्पी भा, उसका मतलब हमको नहीं पता है, सिर्फ इसको ही पता है। हाँ, अभी हमने केक ले लिया और अब हम चलते हैं। अभी हाँ भाई, बर्थडे थे फोटोज ले रहे हैं इधर से उधर, मतलब ये फोन से उस फोन में, और फिर हम जाएंगे परेशान करके रखा है घर पे। कितने बज रहे छाया? 4:01
4:14 बज रहे हैं। ज्योति एक स्टोरी बता रही है, कल हम लोग 5:30 बजे इधर से गए थे सोने के लिए घर पे, तो मम्मी उसको बार बार दूध लेने के लिए उठा है। शिट, फोन भी गिरा दिया उसने। मैं मम्मी ने कह दो मम्मी मैं जरे उठा तेरे लिए। नहीं, पापा ने बॉटल में पानी की, तुझे पानी नहीं यार। इसे रोज ये पीछे वाले रूम में सोती, इसलिए मम्मी रोज इसको उठा के काम करवाती है और फिर से कुछ भी काम कर देगी और जाके फिर से सो जाएगी। दशहरा है, सो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। और आज भी हमारे यहाँ पे थोड़ा सा गरबा होता है और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो अभी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फिर से गरबा होगा। सो यार स्टे ट्यून्ड। गरबा खत्म। हमने ये वाला नवरात्रि बहुत ज्यादा एंजॉय किया है।